अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो, वेलकम टू जॉब्स अपॉर्चुनिटी चैनल पंजाब सीड कॉरपोरेशन। सो पंजाब में अगेन से बहुत बड़ी तादाद में असामियाँ खाली हैं, तो इसमें आपको कंप्लीट ब्रीफ किया जाएगा। प्लीज़ एक दरख्वास्त है कि शुरू से लेकर लास्ट तक आपने वीडियो देखनी है, तो ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि ये जॉब्स किन किन के लिए है और क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट है। तो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखनी है, और एक काम भी कर लीजिए, साथ में आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वो इसलिए कि अब तक हमारी हर वीडियो जो है वो पहुँच सके और आप जॉब्स के रिलेटेड अपडेट रह सकें। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट नोटिस जी, ओनली डिसेबल पर्सनस ओनली, यानी कि सिर्फ माजूर अफराद के लिए इसमें जॉब होंगी, ठीक है जी। तो आपने मुकम्मल वीडियो देखनी ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्वायरमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट, डिसेबल कोटा इसमें शामिल होगा, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 3 ईयर्स, एक्सटेंडेबल ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। तो इसमें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस ये जॉब होगा, और ये एक्सटेंडेबल होगा आपकी परफॉर्मेंस के बुनियाद पर। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तब ही ये जॉब जो है एक्सटेंड होगी, ठीक है जी। आपकी परफॉर्मेंस पे बेस करता है कि आप कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो ये आपको मुश्किल भी कर सकती है। ऑन और बिफोर 25 फरवरी 2019, यानी इसकी 25 फरवरी 2019 इसकी लास्ट डेट होगी, और अप टू 3 PM यानी कि दोपहर के 3 बजे तक आप दरख्वास्त यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। अच्छा जी, कौन कौन सी पोस्ट खाली है, कितने स्केल की और कितनी पोस्ट खाली, आइए शुरू करते हैं। प्रोक्योरमेंट सुपरवाइज़र इसमें 7वें स्केल की ये होगी, नंबर ऑफ पोस्ट 1, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मैट्रिक विद फील्ड असिस्टेंट्स कोर्स भी किया हो इसने, उम्र की हद 18 से 30 साल। अच्छा जी, ड्राइवर 5वें स्केल की, टोटल तादाद 1, मेडिकल विद LTC लाइसेंस एंड 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस और ये कुछ लाइसेंस जो है इसके पास होना चाहिए, 18 से 30 साल इसकी उम्र की हद। हेल्पर ऑयल मैन इसमें 1 स्किल की, टोटल भी 1, लिटरेट विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, मैकेनिकल वर्कशॉप में एक्सपीरियंस हो, 18 से 30 साल उम्र की हद। नैब कासिद 1 और टोटल भी 1, लिटरेट 18 से 30 साल। वॉच एंड वार्ड ये दोनों 1-1, एक्स सर्विस मैन होना चाहिए इसमें, यानी कि पिछला काम यही करता रहा हो वॉच एंड वार्ड का, तो पिछले यानी कि एक्सपीरियंस, यानी कि जैसे कि आर्मी में एक्स ऑफिसर हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, ऐसे ही एक्स सर्विस मैन को चाहिए जी। फील्ड मैन में 1, टोटल स्केल भी 1 और टोटल तादाद भी 1, लिटरेट 18 से 30 साल उम्र की हद। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन क्विकली आपके साथ शेयर करते हैं जी। एप्लीकेशन इनवाइटेड ऑन सिंपल पेपर ओनली, आपने सादा कागज़ पे एप्लीकेशन, अपना नाम पता जो भी एड्रेस ट्रूस वगैरह वगैरह सब कुछ लिखना है, और अपनी मुकम्मल जो है तालीमी दस्तावेजात, एजुकेशनल दस्तावेजात अगर आपके पास जो भी मौजूद है, और अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी, वो तमाम आपने लगानी है। और ये एड्रेस लिखा हुआ है सीड कॉरपोरेशन 4 लेटन रोड। आपने सिर्फ सादा कागज़ लेना है और अपने मुकम्मल नाम पता एड्रेस फ़ोन नंबर हो जो भी है जी उस पर आपने लिखना है, और अपने उसके साथ ही अपने मुकम्मल दस्तावेज आपने अटैच करनी है और इस एड्रेस पे आपने सेंड करनी है। और क्या चाहिए जी, नंबर 2 पे है जी, ओनली डिसेबल पर्सन आर एलिजिबल टू अप्लाई, और सिर्फ माजूर अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द डिसबिलिटी विल नॉट अफेक्ट द जॉब डिस्क्रिप्शन, आपकी जो मजदूरी है वो जॉब को मुतासर ना करती हो, तो ये आपको इस आप जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन हो जो है डिसेबल यानी कि माजूर अफराद ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। नंबर 3 पे इनकम्प्लीट एन एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मुकर्रर तरीके बाद वसूल आने वाली दरख्वास्तों को कबले गौर नहीं लाया जाएगा जी। डिसेबल पर्सन विल अटैच डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्राम कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से इशू होने वाला जो है डिसेबल सर्टिफिकेट और जो है तस्दीक शुदा जो है आपने सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी मंजूरी सर्टिफिकेट आपने अटैच करना है। एज रिलैक्सेशन विल गिवन एज पर गवर्नमेंट रूल्स, नो TADA यानी कि सफरी लाउंस भी नहीं दिया जाएगा। उम्र की जो इसमें रियायत है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत दी जाएगी, कानून के तहत दी जाएगी। नंबर 7 पे ऑल वैकेंसी फॉर 3 ईयर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर इनिशली ये 3 साल की जो है हर नौकरी जो है हर पोस्ट जो है वो 3 साल तक होगी वैकेंसी जो है, ठीक है जी। उसके बाद ही आपको परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मज़ीद एक्सटेंड किया जाएगा। 8वें में टेस्ट एंड इंटरव्यू डेट विल बी कमिटेड लेटर ऑन, जो है टेस्ट और इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो बाद में जो है इशूज़ की जाएंगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को आपने लाजमी लाइक तो करना है, ठीक है जी। शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ रोज़ाना जॉब्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करें और आप जॉब्स के मुतलिक अपडेट रह सकें। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आप तक हमारी वीडियोस पहुंच सकेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप जॉब्स के मुतलिक अपडेट रह सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।